अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिफरेंट व्यू पॉइंट्स के लेआउट्स के बारे में पढ़ेंगे और यूनिट सेट करेंगे। उसके बाद हम ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम ग्रिड्स के बारे में, ग्रिड की सेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये व्यू पॉइंट के लेआउट के बारे में पढ़ेंगे। व्यू पॉइंट के लेआउट, अगर हम इधर कहीं भी राइट क्लिक करें तो ये व्यू पॉइंट के लेआउट, क्योंकि हमने इस पर क्लिक किया हुआ है तो यहाँ पर शोर है। अगर हम ये, अगर यहाँ पे शो ना आ रहा तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ शो हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये डिफरेंट, अगर एरो पे क्लिक करेंगे ये डिफरेंट ये व्यू पॉइंट्स के लेआउट शो हो रहे हैं। अगर हम इस पर क्लिक करें तो ये हमें शो हो गया है, एक व्यू पॉइंट, बड़ा व्यू पॉइंट शो हो। अगर ये डिफरेंट व्यू पॉइंट के लेआउट्स हैं, ये देखें, ये एक व्यू पॉइंट का लेआउट है जिसमें राइट पे दो व्यू पॉइंट शो हो रहे हैं और लेफ्ट पे एक बड़ा व्यू पॉइंट शो हो रहा है। इसी तरह ये डिफरेंट व्यू पॉइंट के लेआउट्स हैं, ये देखें, ये एक टॉप पे एक व्यू पॉइंट का लेआउट शो हो रहा है और नीचे बॉटम में भी एक शो हो रहा है। इसी तरह डिफरेंट व्यू पॉइंट के व्यू पॉइंट के लेआउट्स हैं जो हम जिस तरह हमें फिजिबल हो हम यूज़ कर लेंगे। हम जो इसका ये चार व्यू पॉइंट थे, हम उसमें आते हैं। अगर हमने कोई चीज़ बड़ी दिखाई दे रही हो, अगर हमने उसको सामने चीज़ को ले आना हो तो ग्रिड पे क्लिक करें तो हमें वो सारी सामने वो चीज़ आ जाती है। ये व्यू पॉइंट्स के लेआउट के बारे में था। अब हम यूनिट सेट करेंगे। यूनिट सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, कस्टमाइज में जाएंगे। हम इस व्यू पॉइंट को बड़ा कर लेते हैं। तो यूनिट सेट करने के लिए हम कस्टमाइज में गए। कस्टमाइज में जाके यूनिट सेटअप पे क्लिक किया। यूनिट, ये तीन किस्म के यूनिट हैं। सबसे पहले मैट्रिक है, मैट्रिक पे क्लिक करें। मैट्रिक में ये मीटर आ जाते हैं, मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। जो हम जिस पे हम क्लिक करेंगे वो यूनिट सेट हो जाएंगे। जो अगर हम अपने ये सेंटीमीटर में अगर हम यूज़ करना चाहते हैं या मीटर में यूज़ करना चाहते हैं तो हम इस पे क्लिक कर सकते हैं। इसी तरह ये US स्टैंडर्ड है, US स्टैंडर्ड में इंचेस, फीट यूनिट आ जाते हैं। और उसके साथ ये प्रिसीजन दी गई है। हम मोस्टली जो इंटीरियर का काम या मॉडलिंग वगैरह, अगर हमने मेजरमेंट के साथ काम करना हो तो जो मोस्टली यूनिट यूज़ किए जाते हैं वो इंचेस यूज़ किए जाते हैं। ये साथ प्रिसीजन दी गई है। प्रिसीजन, अगर हम कोई छोटी चीज़ बनाते हैं तो उसके लिए हम प्रिसीजन बहुत ज़्यादा रखते हैं। अगर हम कोई चीज़ बड़ी बनाते हैं तो उसके लिए हम प्रिसीजन बहुत कम रखते हैं। अगर हम बड़ी चीज़ बनाते हैं तो हम 1/1/2 रख लेंगे प्रिसीजन। अगर हम कोई छोटी चीज़ बनाते हैं तो 1/1/16 रख लेंगे या 1/10 रख लेंगे। ठीक हो गया। इसी तरह ये कस्टम यूनिट है। अगर अपनी मर्जी के साथ यूनिट सेट करना चाहते हैं तो हम इधर से सेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये कुछ अगर जेनेरिक यूनिट्स पर क्लिक करेंगे तो जेनेरिक यूनिट हम यूज़ कर लेंगे। जो हम मोस्ट, क्योंकि हमने ये US स्टैंडर्ड फ्रैक्शन इंचेस यूज़ करने हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे और ओके कर लेंगे। ये यूनिट सेट हो गए। इसके बाद हम यूनिट सेट करने के बाद हम कुछ ग्राफिक्स की सेटिंग करेंगे। ये रियलिस्टिक हमें व्यू दिखाई दे रहा है। रियलिस्टिक व्यू में ये होता है, अगर हम टेक्सचर या मटेरियल लगाया होता है तो हमने जो रियल में जो चीज़ हमें दिखाई देनी होती है, अगर हम रियलिस्टिक क्लिक करेंगे तो वो हमें चीज़ दिखाई देगी। इसी तरह ये कुछ डिफरेंट ऑप्शन हैं। ये अगर हम शेडेड पे क्लिक करें तो ये शेडेड व्यू है। अगर जब हम लाइटिंग वगैरह ये डिफरेंट चीज़ें यूज़ करेंगे तो हमें शेडेड व्यू, हमें वो चीज़ वो शेड पर दिखाई देगा। अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा। इसी तरह कंसिस्टेंट कलर हैं, ये कंसिस्टेंट कलर हमें शो हो गया है। इसी तरह ये एज फेसेस हैं, ये देखें, हमें एज फेसेस शो हो गए।